वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं आप सभी का हमारे इस मोहम्मदी ज्ञान हिंदी इस्लामिक चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद फैज और आप देख रहे हैं मोहम्मदी ज्ञान हिंदी इस्लामिक चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस मोहम्मदी ज्ञान हिंदी इस्लामिक चैनल को आप सभी के साथ की बहुत ज़रूरत है, तो इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए अल्लाह के प्यारों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड का सवाल, कुरान में कुल कितनी आयतें हैं? आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए 5066, ऑप्शन बी 6666, ऑप्शन सी 7866, ऑप्शन डी 66666। इसका सही जवाब है 6666। पिछले एपिसोड के सवाल का सबसे पहले जवाब देने वाले तीन विनर्स हैं। पहले विनर है मसूद अंसारी, दूसरे विनर है मिर्ज़ा सलमान बेग, तीसरे विनर है नौशाद कुरैशी। मैं तीनों विनर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने सबसे पहले कमेंट में जवाब देकर मेरा भी हौसला बढ़ाया। अल्लाह हम सब के इल्म में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करे, आमीन। इमाम मेहंदी कितनी उम्र में दुनिया में नाजिल होंगे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 20 साल, ऑप्शन बी 60 साल, ऑप्शन सी 40 साल, ऑप्शन डी 70 साल। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है 40 साल। अल्लाह ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी कबूतर। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मछली। हजरत इज़राइल की रूह कौन कब्ज करेगा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी अल्लाह, ऑप्शन सी हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अल्लाह। किस नबी का जनाजा आसमान पर उठा लिया गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत शीश अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत हारून अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हजरत सुएब अलैहिस्सलाम। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हजरत हारून अलैहिस्सलाम। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज कौन सी पढ़ाई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नमाज फज्र, ऑप्शन बी नमाज जोहर, ऑप्शन सी नमाज मगरिब, ऑप्शन डी नमाज इशा।
आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नमाज़े मगरिब। कौन सा जानवर हज़रत इब्राहिम की आग में फूंक मार रहा था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गिरगिट, ऑप्शन बी फख्ता, ऑप्शन सी चील, ऑप्शन डी कौवा। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गिरगिट। जीएफ या गैर औरत के साथ हम बिस्तरी करना कब जायज है? ऑप्शन ए जब जीएफ राजी हो, ऑप्शन बी जीएफ खुद कहे, ऑप्शन सी कभी कभी, ऑप्शन डी हराम है। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हराम है। हजरत उमर ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20 साल, ऑप्शन बी 45 साल, ऑप्शन सी 39 साल, ऑप्शन डी 55 साल। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 39 साल। आज का आखिरी सवाल, मेरे दीनी भाइयों और बहनों, आज के इस आखिरी सवाल का जवाब आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देखते हैं हमारे कितने भाई बहन का सही जवाब दे पाते हैं। सबसे पहले कमेंट करने वाले 3 लोगों का नाम इंशाल्लाह कल आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। कुरान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद नाम कितनी बार आया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 63 बार, ऑप्शन बी 99 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी 6 बार।